यूपी में आने वाली है जबरदस्त नौकरियों की बाढ़, युवाओं को मिल गया होली तोहफा। होली से पहले योगी का बड़ा ऐलान, 2 करोड़ नौकरियों का बनाया बड़ा प्लान। मिशन रोजगार से शुरू हुई युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की तैयारी। सभी युवाओं को सरकार देगी प्रशिक्षण, आधी सैलरी सरकार और आधी संस्थान देगी। सरकार खुद ही युवाओं को ट्रेनिंग देगी और नौकरी के लिए खुद से तैयार भी करेगी। बस कुछ दिन का इंतजार, उसके बाद यूपी में टूटेगा सबसे ज्यादा नौकरियों का रिकॉर्ड। आखिर कैसे मिलेगी आपको नौकरी और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, देखिए इस रिपोर्ट में। जी, होली के इस बड़े त्योहार पर यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों युवाओं को होली की मिठाई खिलाते हुए हैप्पी होली बोल दिया है, यानी एक बड़ा तोहफा दे दिया है। इस त्योहार के 2 दिन पहले ही सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों की बड़ी सौगात दे दी है और यूपी की सबसे बड़ी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। योगी सरकार खुद के हाथों में युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की कमान संभालते हुए और पढ़ाई के साथ में हर एक तरीके में खुद साथ देगी और सरकार युवाओं को प्रशिक्षित भी करेगी और उन्हें जॉब के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कंपनियों के साथ मिलकर उनके भविष्य को बेहतर भी बनाएगी, जिसमें सरकार द्वारा आपकी नौकरी पर भी हमेशा नजर रहेगी और आधा वेतन सरकार देगी और आधा वेतन आपको उस कंपनी के माध्यम से मिलेगा। योगी द्वारा लिए गए इस फैसले को लेकर प्रदेश के करोड़ों युवा अब खुशी से गदगद हैं। वहीं हाल ही में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट यूपी में आया है और दुनिया की जिन बड़ी कंपनियों के साथ योगी सरकार का समझौता हुआ है, उससे यूपी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अब हर एक डिप्लोमा डिग्री धारक युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही ट्रेंड होकर अपनी नौकरी के लिए तैयार रहेगा और बिना किसी दौड़ भाग, बिना किसी परेशानी के सरकार के समर्थन के साथ उसकी नौकरी पक्की रहेगी। तो चलिए इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिरकार योगी सरकार ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है और कैसे युवाओं को ये नौकरियां किन किन क्षेत्रों में मिलने वाली है और क्या है योगी सरकार का अगले कुछ दिनों के अंदर 2 करोड़ नौकरियां देने का प्लान। आपको बताते चले कि बीते कल के दिन योगी आदित्यनाथ ने यूपी के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार मिशन रोजगार के तहत राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को अगले 3-4 साल में नौकरी और रोजगार देने जा रही है। बताते चले कि सीएम योगी ने लखनऊ कौशल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही है। योगी ने कहा है कि सरकार ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शुरू की है, इसमें प्रदेश के 7.5 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत आधा मानदेय सरकार और आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी। उन्हें अनुभवी कार और नए प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। योगी ने कहा कि प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सारे अभियान को मिलाकर जब हम काम करेंगे तो आने वाले 3-4 साल में प्रदेश के 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को अलग अलग सेक्टर में नौकरी और रोजगार से जोड़ने में सफल होंगे। महोत्सव में 112 कंपनियों की मौजूदगी ये बात साबित करती है कि हमारे पास क्षमता है, हम पर विश्वास है। पिछले 6 साल के भीतर सरकार ने पीएम कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और श्रम सेवा योजना के माध्यम से तकरीबन 16 लाख युवाओं का कौशल विकास किया है। हमारी सरकार ने यूपी के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। इस समझौते से 35,000 युवाओं को ऑन जॉब और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश में आने वाले हर एक उद्योग से वे किसी न किसी संस्था को अपने साथ जोड़े और जहां उद्योग लगे वहां के युवाओं के कौशल विकास में अपना योगदान दे। ये योगी सरकार ने अपने विभागों से कहा है, यानी जिन जिन विभागों को सौंपा गया है मंत्रियों को, उन उन विभागों को इस जिम्मेदारी के साथ में उन्होंने रूबरू कराया है। वही योगी ने कहा कि अब हमारे युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें यही रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर यूपी के युवाओं का भविष्य अब उज्जवल होने वाला है क्योंकि अब आपकी पढ़ाई से लेकर नौकरी तक में योगी सरकार खुद आपके साथ खड़ी रहेगी और हर एक तरीके से आपका समर्थन करेगी और किसी भी तरीके से आपको अपने प्रदेश से बाहर नौकरी के लिए भी नहीं भेजेगी। यानी कुल मिलाकर आप अपने घर के नजदीक अच्छी सैलरी में अच्छा काम पा सकते हैं। तो योगी सरकार के इस मिशन रोजगार पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।